आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्नेक लवर। दोस्तों, स्नेक रेस्क्यू के इस कड़ी में हम हलिमपुर आए हैं, कृष्णानंद ताती जी के घर। और यहाँ से कॉल आई थी हमें थोड़ी देर पहले, इनका कहना एक बहुत बड़ा सांप है, ये लोग इन्हें धामिन सांप बता रहे हैं, हालांकि मैंने अभी तक नहीं देखा है। और ये कह रहे हैं कि ये इस खपड़े के ढेर में छुपा हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस स्नेक का रेस्क्यू करते हैं। हमें नहीं पता कौन सा स्नेक है, हम इसे निकालेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए स्नेक रेस्क्यू कार्यक्रम। दोस्तों, ये ऐसी जगह है जहाँ सांप के छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। पुराने खपड़े का ढेर सभी सांप ऐसी जगह पे छुपना पसंद करते हैं। उस समय से आप लोग कहीं गए नहीं ना, कोई देख रहे हैं? चलिए ठीक है। आपके पास में रही, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, नीचे देखिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक स्नेक हमें दिख रहा है और शायद यह धामन ही है, जैसा कि इन लोगों ने कह रहे हैं, ये धामन ही हो सकता है। धमने तो चलिए हम इसकी अच्छी तरह से रेस्क्यू करते हैं। पकड़ने वाला बहुत बड़ा है। आप लोग दूर रहिए, आप लोग दूर रहिए, यहाँ थोड़ा हमको स्पेस दे दीजिएगा। देख ली केना बैठा है, देख ली तेरा बोलिए चढ़ी कर भगवान की बात है। कोचला लगी पिछले पड़े इसलिए धामिन सांप ही है। कोई बात नहीं, यह भाग नहीं सकेगा, नहीं भागेगा। अब हम पकड़ रहे हैं, अब तो दिख गया ना। अब दूसरे आप लोग को भागना दौड़ना नहीं, किसी को निकलेगा तो आराम से रहिएगा। मुँह है, मुँह तो आगे है, अरे मुँह बहुत लंबा है, बहुत बिगड़ा आप लोग शांत रहिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा ही धामन सांप है। अरे उस दिन भी यही था, आप देख सकते हैं ये है इंडियन रैट स्नेक कहते हैं इसे, धामिन सांप। घबराना नहीं है आप लोग, दौड़िए भागिएगा बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करेगा।
ये मम्मी देखी मम्मी मांगना जी का ढोल किया हुआ है चरी कर लिया फिर ढील कर लिया दीपा लेके वो बच्चे कम रहे तो पक्का आई है तो फ्रेंड्स ये है इंडियन रेट स्नेक धामन सांप कहते हैं इसे हाँ। तो बहुत फुर्तीला होता है और अक्सर घरों में आ जाता है चूहे मेंढक खाने चूहा इसका मुख्य आहार है चूहा खाना बहुत पसंद करता है ये और इसमें जरा सा भी जहर नहीं होता है जहर नहीं होता है कोई जहर नहीं होता है कोई खतरा का बात नहीं है लोग कहता है कि पूछ से जब मार देता है हाँ। तो वहाँ पे सड़ने लगता है जहर होता है पूछ में इसका ऐसा कोई बात नहीं है कोई पूछ में जहर नहीं होता है हाँ। आप आइए नजदीक से देखिए इसका पूछ ये देखिए ये जालीदार टाइप से इसकी पूछ होती है जाली जाली बना हुआ होता है ये इसका पहचान होता है जल्दी आना ये एक बहुत बड़ा नजदीक से पकड़ लिया हमने हालांकि ये हार्डली 11 फीट तक बढ़ सकते हैं 11 फीट तक बढ़ सकते हैं आपको लगता है 6 फीट होगा ना हाँ कम बहुत ही प्यारा सांप होता है दोस्तों गुस्साने पर ये अपनी गर्दन फुलाता है और हमला करता है तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि अगर ये गर्दन फुलाता है तो हम दूर हो जाते हैं ऐसा सांप को मारिए मत सेव स्नेक लव स्नेक चलिए फ्रेंड्स अगर आपको हमारे ये स्नेक रेस्क्यू कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ कह सकते हैं तो बाकी की जानकारी हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे थैंक यू